बिहार में पहली बार ड्रोन शो किया जा रहा है। नीचे सो भाई, और यहाँ पे देख सकते हैं कितना काफ़ी ज़्यादा लेकर रहे, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी लोग देखने के लिए पहुँचे हैं। बापू टावर पटना का बनाया गया है, देख सकते हैं बापू टावर पहले। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरे एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी हम घूम में और रेडी होके निकल रहे हैं आज पटना के मेरीन ड्राइव, क्योंकि पटना के मेरीन ड्राइव पे पहली बार हो रहा है ड्रोन शो कैमरा, और ये पटना में पहली बार हो रहा है। और आप लोग तो अयोध्या बनारस में ये ज़्यादा होता है ड्रोन शो देखे होंगे, लेकिन पटना में पहली बार हो रहा है। कितना भव होने वाला और क्या 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 चीज़ होने वाला है, सारा कुछ आप लोग को वहाँ जाके अपडेट देंगे। अभी जो टाइम लगभग हो रहा है 4 बजे शाम हो रही है, अभी रूम से निकल रहे हैं। और आज जो पटना का मौसम क्या हुआ है, अभी थोड़ा बादल निकला हुआ है, लेकिन कुछ देर पहले बहुत तगड़ी वाले धूप निकला हुआ था और गर्मी बहुत ही काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए रूम से निकलते हैं, क्योंकि 5 बजे से स्टार्ट हो रही है, रूम में ही 4 बज चुका है। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं। इसी रास्ते से पैदल चलते चलते 1 घंटा से आ रहे, और अभी गांधी मैदान यहाँ पे पहुँचे, और अभी 5 मिनट पैदल चलना है यहाँ से, तब जाके मेरीन ड्राइव के लिए ऑटो मिलेगी। और गर्मी भैया बहुत ही खतरनाक किया, पसीना देखे इतना, और पूरा शर्ट भी भींग गया, पीछे भी पूरी तरफ भींग गया, लेकिन जाना तो पड़ेगा भैया। 1 घंटा 20 मिनट पैदल चलते चलते पहुँच गए ऑटो स्टैंड मेरीन ड्राइव। भैया मेरीन ड्राइव कितना भाड़ा? 25 रुपये। 25 रुपया भाड़ा बढ़ गया भाई। अभी जस्ट ऑटो से मेरीन ड्राइव के गोलंबर के पास उतरे हैं, और मुझे रोड क्रॉस होके वो साइड में जाना है। यहाँ पे देखिए पंडाल बनाया गया, बहुत सारा चेयर वो रोड के साइड में बैठने के बनाया गया। तो चलिए वो साइड में जाके आप लोग को सारा कुछ दिखाते हैं। अभी यहाँ से ऊपर से देख सकते हैं पूरा ड्रोन शो जो होने वाला है, जोरों से तैयारी चल रही है। वहाँ पे भी नीचे पंडाल बनाया गया, और कितना काफ़ी ज़्यादा ड्रोन लेके लोग पहुँचे, और यहाँ पे भी पूरा चेयर लगा दिया गया लोगों के बैठने के लिए। उधर छोटा सा पंडाल बनाया गया, इधर से नीचे चलते हैं और नीचे जाके सारा कुछ आप लोग को दिखाते हैं। और जो टूर्नामेंट हो रही है वहाँ पे हो रही है, और उसी के बगल में ये ड्रोन शो होने वाला है। पूरा पानी का छिटकारा मारा जा रहा है रास्ते में, क्योंकि धूल ना उड़े, बहुत ही लोग यहाँ पे मैच देखने के लिए आते हैं। आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि ड्रोन शो देखने के लिए सभी लोग आएंगे, तो इसीलिए पूरा रास्ते में पानी का छिटकारा मारा जा रहा है। वो जो पंडाल बनाया गया है बड़ा वाला, उससे सारा ड्रोन निकाल के यहाँ पे लाइन बाय लाइन रखा जा रहा है, और रात जब होगी पूरा ये शो होने वाला है, बहुत ही भव्य शो होने वाला है। वो तो सब आप लोग बस ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, सारा कुछ देखने को मिलेगा। जितना यहाँ पे ड्रोन है, सारा ड्रोन का लाइट जल चुका है, चेक किया जा रहा है। यहाँ पे सभी लोग जाके देख रहे हैं सभी ड्रोन को, जो लाइट नहीं जला है। लगभग 1000 ड्रोन आसमान में उड़ाया जाएगा, अभी बहुत ही भव्य शो देखने को मिलेगा। बिहार में पहली बार ड्रोन शो किया जा रहा है, और ये लगभग अभी 2-3 दिन तक चलने वाला है। तो ऊपर जाके आप लोग को दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ से सामने से देखने को उतना भव्य नहीं लगेगा। या पहले सामने से दिखा देंगे, उसके बाद थोड़ा दूर से आप लोग को भी दिखा देंगे कितना भव्य लगेगा देखने में सारा कुछ। इधर भी लाइट लगाया गया, उधर भी अभी टूर्नामेंट चलते ही है, और इधर भी लाइट पूरा लगा दिया गया है ड्रोनट्री के बगल बगल में सारे लाइट। ये और ऊपर जा चुके हैं, देख सकते हैं कितना काफ़ी ज़्यादा भव्य लग रहा है देखने में। फिर नीचे सो पाए, और यहाँ पे देख सकते हैं कितना काफ़ी ज़्यादा लेकर रहे, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी लोग देखने के लिए पहुँचे हैं। ओ भाई गजब का भव्य लग रहा है, देख सकते हैं आसमानों में चमकते हुए ड्रोन। पटना बिहार में पहली बार ये ड्रोन शो किया जा रहा है, देख सकते हैं भाई गजब। ये बापू टावर पटना का बनाया गया है, देख सकते हैं बापू टावर पहले। ओ भाई गजब का कितना काफी ज्यादा भव्य लग रहा है देखने में। इधर लोग भी देख सकते हैं कितना काफी ज्यादा खुश, काफी ज्यादा भव्य लग रहा है यार, पहली बार बिहार में, और पहली बार मैं भी देख रहा हूँ ड्रोन शो। अलग अलग कलर भी चेंज किया जा रहा है, में देख सकते हैं तारों जैसा चमकते हुए ड्रोन, और कितना काफ़ी ज़्यादा लोग आज पहुँचे हुए देखने के लिए। इधर सारे लोग बैठे हुए ऊपर में, ऊपर से बहुत ही अच्छा सीन देखने को मिल रहा है। इधर बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए देखने हुए हैं, पूरा लाइट बंद हो गया। ओ भाई देख सकते हैं छठ पूजा, ये छठ पूजा हमारे बिहार का धड़कन दिल, ये बिहार वासियों का सुकून है छठ पूजा। इसी को चित्र बना के दर्शाया गया है ड्रोन के माध्यम से, कितना काफी ज्यादा भव्य लग रहा है भाई। ओ भाई चाणक्य के तैयार होगा। ओ भाई
ओ भाई भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध देख सकते हैं कितना काफी ज्यादा भव्य लग रहा है देखने में यार। पक्का घर, मोदी की गारंटी, बीजेपी सरकार के द्वारा ये शो किया जा रहा है, ड्रोन शो। किसान 6000, किसान सम्मान 6000 रुपया दिया जाएगा। अब पता नहीं आप ही लोग बता सकिएगा कि दिया जाएगा कि नहीं। वंदे भारत जो चलाया गया है, देख सकते हैं वंदे भारत का पूरा इमेज बनाया गया है, काफी ज्यादा भव्य लग रहा है देखने में भाई। तो गरीब लोग नहीं बैठ पाइएगा, लोगों के लिए है, सिर्फ जो जो पैसा वाले हैं उन्हीं लोगों के लिए है। मोदी संघ बिहार, ये बीजेपी के द्वारा प्रमोशन किया जा रहा है, सारे बीजेपी का प्रचार हो रहा है क्योंकि 1 तारीख को इलेक्शन है, उसी को लेकर ये ड्रोन शो किया जा रहा है। तम हो गया सारा ड्रोन, नीचे आ रहा है अपने जगह पे, देखिए नीचे आ रहा है एकदम, काफी ज्यादा भव्य लगा देखने में। पहली बार ड्रोन शो बिहार में दिखाया गया है, तो भैया आप लोग निकलिए घर से और 1 तारीख को पटना वाले वोट दीजिए एक अच्छे पढ़े लिखे नेताओं को जो हमारे युवा को रोजगार दे और किसान का बात करे। सारा वीडियो में एक ही बात बोल रहा हूँ, बट आप लोग जरूर एक अच्छे पढ़े लिखे नेताओं को जिताएं, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो।